हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दोस्तों एक 16 एम्पियर कंबाइंड से यानी पावर बोर्ड से एक दूसरे पावर बोर्ड को किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, हम उसका आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। आज हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे इस तरह के बोर्ड वायरिंग करने का, इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, तो हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरह से हम एक बोर्ड से एक दूसरे बोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं किस तरह से हम पहले हम आपको कनेक्शन करेंगे। हम आपको इस 16 एम्पियर कंबाइंड के कनेक्शन करना बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस तरह से हम एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड को कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करना ये है कि कंबाइंड है, इसके जो चार स्क्रू हैं हम स्क्रू को खोल लेते हैं। दोस्तों देखिए हमने ये इसके जो चारों स्क्रू से ये हमने इसके पेन जो खोल लिए हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हम इसके कनेक्शन करेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से हम ये आपस में एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड को कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों हमने रेड कलर का फेस मिलाने की वायर ले लिया है। सबसे पहले हम जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर देंगे फेस। ये देखिए स्विच के जो 16 एम्पियर में स्विच है कंबाइंड में लगा हुआ, इसे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम दे देंगे फेस। हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस दे दिया है। अब दोस्तों हम करेंगे ये जो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के हम दे देंगे सॉकेट को। देखिए स्विच से फेस काट लिया है। अब हम दे देंगे सॉकेट। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप हमें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहेंगे। और किसी भी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम वो भी वीडियो आपको बना देंगे। दोस्तों देखिए हमने स्विच से फेस काट कर हमने दे दिया सॉकेट को। ठीक, स्विच से फेस काट कर हमने सॉकेट को दे दिया है क्योंकि हमें स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ करना था। देखिए स्विच से फेस काट कर सॉकेट दे दिया है। अब दोस्तों देखिए अब हमें देना है सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट पर न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक कलर का वायर ले लिया है। ये देखिए दोस्तों वायरिंग पूरी दोस्तों कंप्लीट हो गई है। जो 16 एम्पियर कंबाइंड के कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस बोर्ड से कोई भी दूसरा बोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, हम आपको वो बताएंगे। इस तरह की बहुत बोर्ड कनेक्शन करना चाहते हैं लोग और कर नहीं पाते हैं, तो हम आपको बताते हैं किस तरह से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे दोनों बोर्डों के कनेक्शन हो चुके हैं, अब हम आपको किस तरह बताएंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहले करना ये है कि देखिए इसमें इस स्विच पे फेस दिया हुआ है, तो ये फेस जो है जो हमारा जो बोर्ड है उसमें किस तरह से कनेक्शन करेंगे। ये देखिए दोस्तों हम अगर हमें डायरेक्ट देना है तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से देंगे,
स्विच ऊपर वाले पॉइंट से अगर देंगे तो हमारा ये जो हमारा है स्विच से ऑन ऑफ होगा जो हम ये बोर्ड लगा रहे हैं, और अगर स्विच के नीचे वाले पॉइंट से जहाँ डायरेक्ट फेस आया हुआ है अगर हम वहाँ से देते हैं तो उसमें हमें यह होगा कि हमारा जो इसके स्विच से कंबाइंड के स्विच से कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा जो दूसरा वाला कंबाइंड है वो डायरेक्टली चलेगा। देखिए डायरेक्ट हमने कनेक्शन कर दिया, डायरेक्ट जो फेस आ रहा था उसका स्विच से कोई मतलब नहीं है। अब हमें न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल दोस्तों देखिए न्यूट्रल जो हमारे पे सॉकेट पे हमारा जो न्यूट्रल आया हुआ है इस पर हम न्यूट्रल दे देंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, न्यूट्रल जहाँ पर भी आया हो वहाँ से न्यूट्रल डायरेक्टली उठा के दे सकते हैं, और अगर हमें बोर्ड को फेज देना है तो फेज अगर स्विच से कनेक्शन करना चाहते हैं तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से कनेक्शन करेंगे, और स्विच से कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली बोर्ड को चलाना चाहते हैं तो आप स्विच के नीचे वाला पॉइंट पर जहाँ पर भी डायरेक्ट फेज आया हो वहाँ से आप बोर्ड को कनेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। बहुत आसान तरीके से आप एक बोर्ड को दूसरे बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। अक्सर होता ये है कि हम एक बोर्ड से में दूसरा बोर्ड लगाना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, हम खुद नहीं लगा पाते हैं। तो हमें करना ये है दोस्तों कि हम इस तरह से एक बोर्ड से दो तीन जितने भी चाहें बोर्ड कनेक्शन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वायरिंग आपको समझ में आ गई। आइए हम चेक करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों इस वाले स्विच से ही हमारा जो बल्ब जल रहा है ठीक, और ये देखिए इस उस कंबाइंड से इस वाले कंबाइंड को हमने कनेक्शन करा था। ये देखिए ये भी हमारा काम कर रहा है देखिए, और इस वाले स्विच से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली काम कर रहा है ठीक। ये देखिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये 16 एम्पीयर कंबाइंड के कनेक्शन करना समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हम एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं ये भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें।